ये आप देख रहे हैं, ये आलू है। आज 21 तारीख है और आज सूर्यदेव का वार है, सूर्यवार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खास है। मतलब सूर्य से ज़्यादा खास तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। सूर्य जो है सृष्टि की आत्मा है, लेकिन आज का टोटका बहुत खास है। आज आलू का एक टोटका बता रही हूँ आपको, जो आपको माला माल कर देगा, आपकी कंगाली दूर कर देगा। अगर आप कंगाल नहीं भी हैं तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, सुख और सौहार्द लेकर आएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये अद्भुत टोटका है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने चैनल डॉक्टर उमा श्री के माध्यम से आपको ज्ञान देती ही रहती हूँ। इसी संदर्भ में आज का वीडियो प्रेषित है आपके समक्ष, तो पूरा दिखेगा और समझिएगा क्या करना है। आपको आलू लेने हैं, आज का टोटका ये है कि आलू लेने हैं और आलू को उबालने हैं। आलू किसी भी यूज़ में आप ले सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, ये आप पर है। आलू शुक्र का प्रतीक होता है और शुक्र से संबंधित जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं। शुक्र को उन्नत करने के लिए आलू के पराठे अवश्य खाएं। आलू का सेवन किसी न किसी रूप में करें। अगर आप आलू पसंद नहीं करते हैं तो लाल आलू भी आते हैं और शुगर फ्री आलू भी आते हैं। आप पर है कि आपको कौन से आलू लेने हैं। तो ये तो शुगर फ्री आलू नहीं है, लेकिन नॉर्मल आलू हैं और इनका सेवन मैं करूँगी तो मेरा परिवार करेगा पूरा। तो आप भी अपने परिवार सहित सेवन करिए। परिवार सहित सेवन करना ज़रूरी है, तभी आपको ये लाभ फलीभूत होगा। तो आलू लेने हैं और आलू को उबालते वक्त ये चीज़ डालनी है। चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। सॉल्ट पाउडर अगर है तो सॉल्ट पाउडर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। और हल्दी अवश्य डालनी है और चुटकी भर नमक डालना है। ये काम करने मात्र से ही आपकी किस्मत चमक जाएगी, क्योंकि आज 21 तारीख है, बृहस्पति का नंबर है और बृहस्पति के लिए हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें आलू शुक्र का प्रयोग, आलू के लिए शुक्र संबंधित ज्ञान आपको दे रहे हैं। आज मतलब आलू शुक्र का प्रतीक है। ये वर्ष 24 नंबर इसमें जुड़ा है, तो जो शुक्र का है, और 2 का नंबर भी है जो चंद्रमा का है। चंद्रमा की पावर भी आपको मिलेगी। और टोटल हम करें तो 8 का अंक है, ये शनि का अंक है। शनि आपके जीवन से तमाम नेगेटिविटी दूर करेगा, क्योंकि जो शुक्र और शनि है अति मित्र की श्रेणी में आते हैं, तो आपको लाभ बराबर होने वाला है। तो ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हल्दी डालना मत भूलिएगा। चुटकी भर नमक भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप डाल सकते हैं। और मन ही मन जाप करें, मेरे घर में खुशहाली आ रही है, मेरे घर की तरक्की हो रही है, मेरे घर में पैसा ही पैसा आता ही जा रहा है, निरंतर अनवरत रूप से आता ही जा रहा है। ये कामना करते हुए आलू उबालने हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर नए वीडियो में आपको नया ज्ञान दूंगी, जिससे आपका परिवार सुखमय हो सके, आपका जीवन खुशहाल हो सके। थैंक यू सो मच।